हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग से यहाँ पे ट्रिक्स बताऊंगा और आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो मेरे टीममेट के यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नाम है वो सारे यहाँ पे गायब हो चुके हैं और इन ट्रिक्स से यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखना और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर जो हमारे पे पहली जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा पे इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको स्पाइडरमैन वाले मोड में आ जाना है। तो आपको यहाँ पे कोने में यहाँ पे स्प्रिंट का बटन देखने को मिलेगा। तो इसी पे इस वाले बटन के यहाँ पे कुछ इस जगह पर यहाँ पे दबाओगे तो आप देखना जो आपके पे क्रैट होगा वो एकदम से स्लाइड करता हुआ आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे भागते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यह जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा पे इंटरेस्टिंग लगती है। जो आपके यहाँ पे क्रैट है वो एक ही तरीके से यहाँ पे चलता जाएगा। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे और दिखा दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली से स्प्रिंट वाली पावर बटन यहाँ पे प्रेस करना है। तो आपको जो यहाँ पे क्रैट वो आपको यहाँ पे स्लाइड होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो आप भी स्वेटर को यहाँ पे ट्राई कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को दिखा के उसे यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेटर को यहाँ पे पसंद आई हो। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो यहाँ पर जो हमारे पे नेक्स्ट ट्रिक है ये और भी ज़्यादा पे इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको क्लैश स्क्वाड वाले मोड में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सिंपली से यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे हो जाना है। सो जैसे पे एलिमेंट यहाँ पे हो जाओगे तो जो आपके यहाँ पे टीममेट है वो यहाँ एक से दो यहाँ पे वो भी यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे हो जाने चाहिए। और जैसे आपके टीममेट भी यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे हो जाएंगे तभी आपको अपनी गेम को जल्दी से यहाँ पे रिकनेक्ट कर लेना है। और जैसे आप रिकनेक्ट करके वापस यहाँ पे आओगे फिर आपको यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरी गेम में बस रिकनेक्ट हो चुकी है और जैसे मैं अंधेरे तरफ पे पहुँच जाऊँगा तो आप ही देखना जितने भी मेरे यहाँ पे टीममेट हो गए उन सारे टीममेट के यहाँ पे नाम गायब हो जाएगा। और यह जो ग्लिच है ये काफ़ी ज्यादा पर इंटरेस्टिंग से लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन लगेगा जैसे कि आप एनिमे के स्पॉन के अंदर यहाँ पे आ चुके हो। तो आप भी साइड को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं वो अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट राइटर को करने के लिए आपको जिपलाइन के पास यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद आपको अपने यूज़ वाला बटन और अपने स्प्रिंट वाला बटन दोनों को साथ में प्रेस करना होगा। और जैसे पे करोगे तो आप ये देखना जो आपके पास स्पाइडरमैन होगा वो आपके हवा में यहाँ पे अटका हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो आपका स्पाइडरमैन है एक ही जगह यहाँ पे भागे जा रहा है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी गेम को मिनिमाइज करके यहाँ पे खोलना होगा। तो आप ये देख पाओगे जो आपके पास स्पाइडरमैन है वो यहाँ नीचे तरफ यहाँ पे आ चुका है, लेकिन जो आपके यहाँ पे स्पाइडरमैन है वो आपको यहाँ कुछ टेढ़ा सा यहाँ पे खड़ा हुआ देखने को मिलेगा। जब तक आप यहाँ पे अपने कैंसिल वाले बटन को प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका स्पाइडरमैन है टेढ़ा यहाँ पे खड़ा रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक और यहाँ पे जिपलाइन का यूज करना होगा। और जैसे ही ऊपर तरफ यहाँ पे पहुंच जाओगे फिर से आपको अपने स्प्रिंट वाला बटन पे प्रेस करना है और जल्दी से अपने यूज वाले बटन को साथ में यहाँ पे प्रेस कर देना है। और अगर जैसे पे करोगे तो आप देखना इस बार आपका स्पाइडरमैन नीचे तरफ यहाँ पे हवा में आपको यहाँ पे भागते हुए यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तब आपको अपनी गेम को जल्दी से मिनिमाइज करके यहाँ पे खोल लेना है। और जैसे पे करोगे तो आपका स्पाइडरमैन दोबारा से यहाँ पे टेढ़ा से यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी ट्रिक्स मैं आपको स्टूडियो बताया उस साइड से आपको पसंद आई। अगर आपको साइड ट्रिक्स पसंद आई तो प्लीज स्टूडियो को यहाँ पर लाइक कर देना और अगर आपने चैनल नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।